तो गाइस ये है न्यू बजाज शक्ति 25 लीटर वाटर हीटर, जिसमें आप देख सकते हो इस तरह का इसका लुक एंड फील है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन आवर चैनल मानसी सेल वर्ल्ड। मेरा नाम है शैलेन। गाइस आज का जो वीडियो है वो होने वाला है प्रोडक्ट रिव्यू सीरीज का। जैसा कि आपको पता है कि प्रोडक्ट रिव्यू सीरीज में हम रिव्यू करते हैं यूजफुल प्रोडक्ट जो कि हम खुद भी यूज करते हैं और हम सजेस्ट करते हैं आपके लिए। तो गाइस लास्ट टाइम जो हमने प्रोडक्ट रिव्यू किया था वो था बजाज फ्लोरा इंस्टेंट वाटर हीटर। उसके बाद मुझे कई सारे लोगों ने कमेंट किया कि आप हमको सजेस्ट करिए एक गीजर जो कि सुटेबल हो बाथरूम के लिए, क्योंकि जो बजाज फ्लोरा था इंस्टेंट वाटर हीटर वो था कि सुटेबल फॉर किचन। तो आज मैं आपको एक गीजर सजेस्ट करने वाला हूं जो कि बहुत ज्यादा सुटेबल है बाथरूम के यूज के लिए, जिसको मैं खुद यूज कर रहा हूं फ्रॉम लास्ट 3 इयर्स। तो गाइस आज हम कोई भी अनबॉक्सिंग नहीं करेंगे, बट मैं आपको जो गीजर इंस्टॉल है हमारे घर में वो दिखाऊंगा। तो गाइस प्रोडक्ट का नाम है बजाज न्यू शक्ति, जो कि आता है 3 वेरिएंट में, 10 लीटर, 15 लीटर और 25 लीटर। तो आज हम जिस गीजर की बात करेंगे वो है 25 लीटर का, जो कि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है हमारे घर में, जिसको हम यूज कर रहे हैं 3-4 साल से, और हमारी फैमिली में 3-4 और गीजर यूज हो रहे हैं और ये एकदम परफेक्ट चल रहा है अभी तक। इसमें किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत हमको फेस नहीं आई है। तो गाइस सबसे पहले जान लेते हैं कि इस गीजर में हमें क्या क्या रहता है, किस तरह के इसके फीचर्स हैं और किस तरह की इसकी बिल्ड क्वालिटी होती है। तो गाइस जो बजाज न्यू शक्ति है, इसकी जो एनर्जी रेटिंग है वो 4 रेटिंग का है, जो कि एक हाईली एनर्जी एफिशिएंस है। और अमेजन प्राइम पे अगर इसकी रेटिंग की बात करें तो वो 4 जो एवरेज रेटिंग है वो 4 है, जिसको करीब करीब 8,000 लोगों ने इसको रेट किया हुआ है। गाइस इसके बाद बात कर लेते हैं इसके पावर कंज्यूमशन की। तो ये करीब करीब 2000 वॉट की पावर को कंज्यूम करता है। गाइस ये जो गीजर है ये 8 बार का जो प्रेशर है वो झेल सकता है, जो कि एक बहुत अच्छा है अगर आप एक हाई राइज बिल्डिंग में रह रहे हैं जहां पे जो वाटर का प्रेशर होता है वो काफी ज्यादा होता है। गाइस इसके बाद बात कर लेते हैं इसके बिल्ड क्वालिटी की। तो जो इसका इंटरनल टैंक होता है वो बना हुआ होता है SS304 स्टेनलेस स्टील से, जो कि एक बहुत अच्छा होता है। इसमें किसी भी तरह की कोई जंग नहीं लगती है और इसकी लाइफ टाइम होती है वो काफी इससे बढ़ जाती है। पर इसके बाद बात करते हैं इसकी आउटर बॉडी की। तो जो इसकी आउटर बॉडी होती है वो CRCA+PP मटेरियल से बनी होती है, जो कि एक स्टील का ही वेरियंट है। इसके बाद बात कर लेते हैं इसके डायमेंशन की। तो ये करीब करीब 40 से 50 सेंटीमीटर चौड़ा है और 50 से 60 सेंटीमीटर ये ऊंचा है। ये एक तरह का वर्टिकल गीजर है। तो भाई सब बात कर लेते हैं वारंटी की। तो ओवरऑल प्रोडक्ट पर आपको मिलती है 2 साल की वारंटी, इसके साथ आपको मिलती है जो कि इसके अंदर हीटिंग एलिमेंट लगा होता है उस पर मिलती है आपकी 2 साल की वारंटी, और जो इसके अंदर जो टैंक लगा हुआ होता है उस पर आपको मिल जाती है करीब करीब 5 साल की वारंटी। तो भाई सब बात कर लेते हैं कि इसके बॉक्स में क्या क्या आता है जब ये प्रोडक्ट आपको डिलीवर होता है। तो इसके बॉक्स में आपको मिल जाती है 3 चीजें। पहला आपको मिल जाता है गीजर, दूसरा आपको मिलता है आपका वारंटी कार्ड, तीसरा आपको मिलता है जो माउंटिंग एक्सेसरीज होती है जो कि इंस्टॉल करते टाइम यूज होती है। तो ये 3 चीजें आपको इसमें मिल जाती हैं। इसके बाद इसकी बात करते हैं कि जो पाइप इसमें यूज होते हैं वो इसके साथ नहीं आते हैं। तो जब आप इंस्टॉलेशन के लिए कॉल करेंगे कस्टमर केयर पर, और जब बजाज का इंजीनियर आता है तो वो अपने साथ पाइप वगैरह लेके आता है और वो पाइप इसके साथ फ्री होते हैं और उन्हीं पाइप के साथ ये जो भी गीजर है उसको इंस्टॉल कर देगा। तो गाइस अब बात कर लेते हैं इस गीजर के स्पेशल फीचर्स की। तो सबसे पहले ये गीजर आता है अपनी टाइटेनियम आर्मोर टेक्नोलॉजी के साथ, जो कि रस्टिंग प्रूफ करता है आपके इनर टैंक को और कोरिजन से बचाता है आपके इनर टैंक को। गाइस इसका जो दूसरा फीचर है वो है इसकी आउटर बॉडी। इसकी आउटर बॉडी काफी अच्छी मटेरियल से बनी हुई होती है और जो एक रस्ट प्रूफ होती है, जिसका मतलब है कि 3-4 साल तक इसमें किसी भी तरह की कोई भी रस्ट नहीं लगेगी आपकी आउटर बॉडी पर, और आपकी जो गीजर की लाइफ है वो बढ़ जाएगी। इसका गाइस तीसरा जो स्पेशल फीचर है वो है स्विरल टेक्नोलॉजी, जो कि आपके गीजर के अंदर का जो पानी होता है उसको 20% ज्यादा स्पीड से गर्म करता है। अगर बात करते हैं इसके चौथे स्पेशल फीचर की, तो इसमें आपको मिल जाते हैं मल्टीपल सेफ्टी सिस्टम। पहला होता है ड्राई हीटिंग। ड्राई हीटिंग का मतलब होता है कि अगर आपने अपना जो इनपुट होता है वाटर का वो टैप को बंद कर रखा है और आपने गीजर ऑन कर दिया है, तब भी आपको इसमें किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, और आपका जो गीजर है वो बिना पानी के चल रहा है तो उसमें किसी भी तरह का कोई भी फॉल्ट नहीं होगा। दूसरा इसमें आपको मिल जाता है सेफ्टी सिस्टम फॉर हाई प्रेशर। तो ये जो गीजर है ये 8 बार तक का प्रेशर आसानी से झेल सकता है और आपको इसमें किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी जब उसमें जो पानी का प्रेशर है वो ज्यादा होगा। तीसरा जो इसका फीचर है वो है कि ओवर हीटिंग। तो इसमें ऑटो कट होता है और आपका जो गीजर है वो ओवर हीटिंग से बच जाता है। गाइस ये था इस गीजर की डिटेल्स और इसके स्पेशल फीचर्स। अब मैं आपको ले जाता हूं जहां पर ये गीजर इंस्टॉल्ड है और आपको दिखाता हूं कि ये जो इंस्टॉल प्रोडक्ट है वो कैसा है और उसकी परफॉर्मेंस किस तरह की है। तो गाइस ये है न्यू बजाज शक्ति 25 लीटर वाटर हीटर, जिसमें आप देख सकते हो इस तरह का इसका लुक एंड फील है। और अगर बात करते हैं यहाँ पे कंट्रोल्स की, तो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं 2 इंडिकेटर
यहाँ पे दो इंडिकेटर मिल जाते हैं, जब अगर ये ग्रीन जल रहा है जिसका मतलब है कि ये हीट कर रहा है, और जो ऊपर वाला है वो पावर का बटन है। तो जब इसका हीट कंप्लीट हो जाता है तो जो ग्रीन लाइट है वो ऑफ हो जाती है। कई इसके बाद आपको यहाँ पे मिल जाता है ये कि ये कंट्रोल, जिसके थ्रू आप अपना टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हो कि मैक्सिमम टेम्परेचर आपको कितना रखना है। तो इसमें आपको मिल जाते हैं लो, मीडियम और हाई। इसके बाद गाइस बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो एनर्जी रेटिंग, जो कि इसकी 4 रेटिंग है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। इसके साथ यहाँ पे जो ये पाइप्स हैं, ये पाइप्स जब भी आप कॉल करोगे कस्टमर केयर पर तो जो इंस्टॉल करने के लिए इंजीनियर आएगा वो अपने साथ लेके आता है। ये पाइप्स आपको जब भी आपका प्रोडक्ट डिलीवर होगा तो उसमें आपको ये नहीं मिलेंगे। कहीं इसके बाद बात कर लेते हैं, यहाँ पर एक ये घड़ी लगी हुई है जो कि होता है कि कितना टेम्परेचर है आपके टैंक में वो नापने के लिए, लेकिन ये सिर्फ शोपीस है, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये काम नहीं करती है। तो गाइस इस तरह का लुक एंड फील है आफ्टर इंस्टॉलेशन, आप देख सकते हो। और ये गीजर हम करीब करीब 3-4 साल से यूज कर रहे हैं और एकदम ये परफेक्ट चल रहा है। इसकी जो ये केबल है ये करीब करीब 1 सेंटीमीटर की होती है, जो पावर केबल है। और गाइस इसके साथ जब ये डिलीवर होता है प्रोडक्ट तो ये जो प्लग है ये नहीं आता है इसके साथ, ये सिर्फ वायर आता है इसमें लगा हुआ, तो ये आपको अलग से परचेस करना पड़ेगा। तो गाइस इसको मैंने करीब करीब 10 मिनट पहले स्टार्ट किया था और अब इसमें 10 से 15 मिनट बाद गर्म पानी आना स्टार्ट हो जाता है और करीब करीब 15-20 मिनट में आपका पूरा का पूरा 25 लीटर का टैंक गर्म हो जाता है। तो गाइस अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की। तो जब मैंने इसको परचेस किया था तो ये मुझे करीब करीब 6,500 रुपए का पड़ा था। अगर आज की डेट में इसकी बात करें प्राइस की तो ये करीब करीब 7,000 रुपए का चल रहा है। तो इसकी जो प्राइस है वो थोड़ा ऊपर नीचे वेरी होती रहती है, तो बिटवीन 6 to 7K। तो गाइस ये था हमारा रिव्यू फॉर न्यू बजाज शक्ति वाटर हीटर जिसकी कैपेसिटी थी 25 लीटर। आप हमें कमेंट करके बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपके किसी भी तरह के क्वेश्चन है तो आप मुझको इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं या आप मुझे डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए, और गाइस अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो भी नोटिफिकेशन की बेल है उसको ऑन करिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। तो गाइस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।